सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रिक मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप व्यापारी गोष्ठी में आए, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं नीरज मित्तल, समाजवादी व्यापार सभा का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और इस व्यापारी कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष। आज गोष्ठी करने का मकसद 2019 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और इस गोष्ठी के माध्यम से हम व्यापारी को बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि व्यापारी बूथ स्तर पर मजबूती के साथ काम करेगा तो निश्चित हमारी पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी। तो व्यापारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? सबसे पहले तो व्यापारी नोटबंदी से परेशान हुआ, उसके ऊपर बाद केंद्र सरकार ने GST लगा दी। GST से आदमी परेशान है, अभी तक उसे ये समझ नहीं पा रहा कि कौन सा कानून आ रहा। देखिए, समय समय पर जनपद में कोई भी अगर व्यापारी के साथ समस्या आती है तो वो अपने जनपद के माध्यम अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता है, शासन तक पहुंचाता है, लेकिन शासन बिल्कुल ने ये सोच रखा है कि ये दूधिया ये तो मजदूर है और ये हमारे साथ लगा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बंधुआ मजदूर आज के टाइम में व्यापारी नहीं है, वो जानता है कि हमें कब किस समय उसका जवाब देना है। बोर्ड के माध्यम से व्यापारी और जनता भी जो भी व्यापारी के खिलाफ कार्य करेगी उसको जवाब देने का।